स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों की ओर। तीनों की शिकायतों के बाद आज प्रशासन ने कालाबाग में नगर के स्कूल कॉलेज की बाउंड्री के समीप मुख्य सड़क के किनारे शासकीय भूमि पर नई स्थापित की गई गुमतियों को बलपूर्वक हटाया। कार्रवाई राजस्व पुलिस और नगर पालिक के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पूर्व में नगर पालिक द्वारा इन गुमतियों को हटा लेने के लिए सूचित किया गया था। अतिक्रमणकारियों द्वारा गुमतियां नहीं हटाने के बाद आज नगर पालिका राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण में नई स्थापित हुई और निर्माणाधीन गुमतियों को बलपूर्वक हटा दिया। कार्रवाई के बाद अन्य शेष बची ऐसी गुमतियों को जो अतिक्रमण में स्थित है 7 दिन के अंदर गुमतियां हटाने के लिए कहा गया है। जैसा कि नगर पालिका क्षेत्र बांसवाड़ा में विगत कई समय से ये शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि विभिन्न नगर पालिका की या शासकीय जमीनों पर कॉलेज या स्कूलों की बाउंड्री वॉल के पास अनेक प्रकार के खोखे रखे जा रहे हैं और उनका खरीद फरोख्त भी किया जा रहा है, परंतु इसकी जानकारी नहीं मिली कि किसके द्वारा ये रखे गए हैं और किसके द्वारा खरीद फरोख्त किया जा रहा है। इसमें जो भी नए ढांचे या नई ऐसी गुमटियाँ थीं जो कि अभी कंस्ट्रक्शन स्तर पर थी, उन सभी को हटाने के लिए पूर्व में नगर पालिका ने मुनादी भी कराई और सभी को सूचित किया, परंतु उसके बाद भी वो नहीं हटाए गए। तो आज दिनांक को नगर पालिका राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा और उनको बलपूर्वक उन ढांचों को हटाया गया। बिल्कुल, नगर पालिका के द्वारा सभी को हिदायत नगर पालिका के माध्यम से जारी कराई गई है कि ये 7 दिवस में इस प्रकार के जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको पृथक कर लिया जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की घटना दुर्घटना निर्मित ना हो। और सभी को सचेत भी किया गया है कि इस प्रकार के अतिक्रमण ना करें, यदि वो अतिक्रमण करते हैं तो उन पर इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। यदि इस प्रकार के कोई दस्तावेज या कोई साक्ष्य हमको मिलते हैं तो उस पर भी हम लोग विधिवत कार्रवाई करेंगे और उसके जो भी प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है संबंधित विभाग के द्वारा वो कराएंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।